हेलो एवरीवन, मैं पुष्पा राजपूत पुष्पा की रसोई में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज फ्रेंड्स मैं लेके आई हूँ ऐसा डोसा जो बहुत ही क्रिस्पी है, और ख़ास बात यह है कि बस आपको घोलना है और इसको बना लेना है, ना आपको रातों में चावल को भिगोना है, ना आपको घंटों इसको फुलाना है। बस आपका जब भी खाने का मन करे तो बस घोलिए और बनाइए और खाइए। तो फ्रेंड्स आज हम डोसा बनाने वाले हैं ना तो दाल से, ना चावल से और ना सूजी से, आज हम बनाएंगे सिर्फ गेहूँ के आटे से, वो भी इतना क्रिस्पी डोसा कि आपने एक बार बना लिया ना तो आज के बाद तो आप चावल वाला डोसा बनाना भूल ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसके साथ में मैंने बहुत ही खास चटनी भी बनाई हुई है, और आप चाहें तो चटनी के साथ में डोसे का मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम इसको बनाने, इतना क्रिस्पी डोसा कैसे बनेगा और इसको आप कैसे बना सकते हैं जो कि आपको जो खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा, वो भी बगैर आलू का। तो फ्रेंड्स इसको बनाने के लिए आपको जो जो सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी वो सब इस पर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और परफेक्ट डोसा आप कैसे बना करके तैयार कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग डोसा बनाते हैं तो उनका डोसा परफेक्ट नहीं बनता है। तो आज सारे डाउट इस वीडियो में आप सबों के साथ में शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको सामग्री का ध्यान रखना है कि आपको कितना क्या लेना है। तो आप एक कोई भी बर्तन ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके पास कप ही हो, आप कटोरी ले लीजिए, जिससे हम चाय पीते हैं वो आप चाय वाला कप ले लीजिए, आप कोई भी बर्तन ले लीजिए, बस उससे आपको सामग्री को नाप के डालना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने एक छोटा सा कप लिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगी ये कप भर के आटा गेहूँ का ले लूँगी, और जितना मैंने गेहूँ का आटा लिया है सेम उसी कप से मैं इसमें सूजी डाल दूँगी। आप कोई भी सूजी ले सकते हैं, आपके पास जो भी हो, छोटी हो या मोटी वाली हो, बस आपको फ्रेंड्स बस इतना ध्यान रखना है कि आपने जितना गेहूं का आटा लिया है उतना ही आपको रवा को ले लेना है, और आपको पानी पानी के लिए तो ऐसा है कि देखो जब यदि कोई रवा छोटी होती है कोई मोटी वाली होती है तो उसके हिसाब से पानी आप कम ज़्यादा ले सकते हैं, एक कप भी लग सकता है, डेढ़ कप भी लग सकता है। इसका बैटर आपको इतना पतला रखना है जितना आपका डोसा का बैटर होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा पतला रखना है। तो इस चीज़ का फ्रेंड्स विशेष ध्यान रखना है। और कई लोग क्या करते हैं डोसा बनाते हैं तो उनका परफेक्ट डोसा बन करके तैयार नहीं होता, वो इसलिए फ्रेंड्स तैयार नहीं होता क्योंकि आप वीडियो को सही से देखते भी नहीं हैं, और आपकी जो सामग्री है उसको आप ध्यान नहीं रखते कि आपको कितना कितना डालना है। तो आप ध्यान रखिए, आप जब भी बनाइए तो आपको जितना आटा उतना ही आपको रवा को ले लेना है। तो मैंने स्वाद को बढ़ाने के लिए फ्रेंड्स इसमें डाल दिया थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, इससे हमारा डोसा देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा और कलर में बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होगा। साथ में मैंने नमक ले लिया, तो जब तक हम रखते हैं 2 ही मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए, ताकि जो हमने रवा डाला वो फूल जाए। और इसके बाद हम ले लेंगे फ्रेंड्स एक ये प्याज, क्योंकि मैं बना रही हूँ अपने बच्चे के लिए, क्योंकि मेरे बेटे का मन था आज बहुत ही डोसा खाने का, पर डोसा को बनाने के लिए बहुत सारा झंझट करना पड़ता है, रातों में चावल भिगोने पड़ते हैं, इसके बाद उसको पीसना पड़ता है, फिर खमीर रखने के लिए उठने के लिए रखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ दिमाग चला कि क्यों ना मैं अपने बेटे को डोसा बना दूँ, और वो भी इतना हेल्दी भी हो, खाने में टेस्टी भी हो। तो मैंने भी फ्रेंड्स अपने बेटे भर के लिए बना रही हूँ, तो मैंने क्या किया एक प्याज को ले लिया, उसको बारीक काट करके हाथों से मैंने उसके जो लच्छे होते हैं वो मैंने निकाल के अलग कर लिए। साथ में मैंने ले लिए शिमला मिर्च, शिमला मिर्च को भी हम बारीक काट लेंगे, और इसके साथ में ही हम थोड़ा सा टमाटर ले लेंगे। तो आप इन सभी सामग्रियों को छोटा छोटा सा काटना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको टमाटर के पीस हैं बिल्कुल बारीक, जितने बारीक आप काट सकें उतने बारीक को आपको काट लेना है। तो इस तरह से हम सारी सामग्री को काट लेंगे फ्रेंड्स। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा यदि आपके पास हरी वाली जो प्याज होती है कैप्सिकम उसको भी ले सकते हैं, वो भी आप डाल सकते, क्योंकि मैं ये बच्चे के लिए बना रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा इसको हेल्दी बनाना है। तो इन सभी सामग्रियों को हमें फ्रेंड्स मिला लेना है। इसके बाद हम इन सामग्रियों में कुछ मसाले भी ऐड करेंगे, इससे जो हमारे जो हम ये सामग्री बना रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट बनकर के तैयार होगी। तो मैं लूँगी काली मिर्च पाउडर, तो मैंने ज़रा सा ही आधी चम्मच से कम ही मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है। आप फ्रेंड्स जितने लोगों के लिए बना रहे हैं उसके हिसाब से आपको सामग्री को कम ज़्यादा लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद हम ले लेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, इसको आपको ज़रूर डालना है, यदि आपके पास काली मिर्च पाउडर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद डालेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा डाल देंगे हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, ये भी ऑप्शनल है, यदि आप लाल मिर्च पाउडर को नहीं यूज करना चाहते हैं तो उसकी जगह आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। जरा सा मैं डालूंगी इसमें
गरम मसाला थोड़ा सा एक चुटकी ही डालना है, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। और इन सभी सामग्रियों को हमें अच्छे से मिला लेना है। तो ये हमारी मसाले वाली फ्रेंड्स प्याज बन करके तैयार हो चुकी है। तो कुछ टाइम बाद देखेंगे इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी निकलने लगेगा, क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा दूसरा काम करना है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, इसको रख दीजिए, तब तक ये मसाले हमारे अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो हमने आज डोसा बनाया हुआ बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है, और खाने में तो इतना ये टेस्टी लगता है कि जब आप बनाएंगे ना और जिसको भी खिलाएंगे तो वो खाते खाते थक जाएगा, पर वो मना नहीं करने वाला है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैंने थोड़ा सा हरी मिर्च नहीं डाली हुई थी, तो मैं थोड़ा सा हरी मिर्च को भी बिल्कुल बारीक काट करके डाल दूँगी, और इसके बाद इसको रखते हैं हम साइड में। फ्रेंड्स एक बात और कहना चाहूँगी, वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूला कीजिए। और अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बैटर भी मैं चेक कर लूँगी थोड़ा सा रवा फूला है कि नहीं। यदि आपको लगे कि रवा फूला नहीं, तो थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए आप और भी रख सकते हैं, पर इसको मैंने सिर्फ ज़रा सा ही रखा था जब तक मैंने सब्जियों को काटा, और ये हमारा बैटर बहुत अच्छे से फूल करके तैयार हो गया है। इसके बाद आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि काफ़ी बैटर ये गाढ़ा हो चुका है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। तो मैंने पहले भी बताया कि पानी थोड़ा सा कम ज़्यादा भी लग सकता है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिस तरह से हम डोसा का बैटर रखते हैं, उससे हमें थोड़ा सा पतला ही रखना, पर बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, नहीं तो आपको तवा में निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है। इस चीज़ का फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए मैंने जो बैटर बनाया है ये बिल्कुल परफेक्ट है, और इसमें 1.5 कप के करीब पानी हमारा लगा हुआ है। तो आप ध्यान रखिए, जब भी आप बनाइए तो आपको इसी तरह से आपको बैटर को रखना है। इसके बाद ये हमारा बैटर परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब हमें इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और डालेंगे, वो है दही। दही को फ्रेंड्स आपको लास्ट में डालना, क्योंकि मैंने ना इसमें इनो ना ही सोडा कुछ भी मैंने इसमें नहीं डाला हुआ है। और यदि आप फ्रेंड्स डालना चाहते हैं इनो, तो इसमें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने फिलहाल इसमें इनो नहीं डाला है, मैं सिर्फ इसमें 1 चम्मच दही ही डालूँगी, वो भी नॉर्मल खट्टा भी दही मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया है, मैंने सुबह ही इसको जमाया हुआ था, घर का ही दही है। इसको मैं इसमें डाल करके मिला दूँगी, और बस ये हमारा परफेक्ट बैटर बन करके फ्रेंड्स तैयार है। अब हम चलते हैं इसका ही डोसा बनाने के लिए। तो पहले तो हम दही को अच्छे से इसमें मिला देंगे, ताकि दही में बिल्कुल से लम्स नहीं रहना चाहिए, और ये हमारा दही और आटा का घोल अच्छे से मिक्स होकर के तैयार। तो आप देख पा रहे हो कि काफ़ी ये लाइट घोल बन करके हमारा तैयार हो चुका है। अब चलते हैं फ्रेंड्स इसको बनाने। तो आपको ले लेना है नॉन स्टिक तवा। आप एक चीज़ का फ्रेंड्स और ध्यान रखें, आप इस डोसे को लोहे की तवे में बिल्कुल भी ना बनाएं, नहीं तो आपको बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो नॉन स्टिक तवा ही कोशिश करें आप लेने की। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर देंगे। अभी हमने गैस को ऑन नहीं किया है, तवा को हमने ग्रीस कर दिया है। इसके बाद हम तवा को ऑन करेंगे, इसके बाद हम पानी के छींटे लगाएंगे। अभी तवा हमारा हल्का सा ही गर्म है। इसके बाद आपको ले लेना है कोई कॉटन का कपड़ा, टावल ले सकते हैं या टिश्यू पेपर ले सकते हैं। इसके बाद हमें सारा पानी और तेल कपड़े से पोंछ लेना है। तो अब ये देखिए फ्रेंड्स, तवा हमारा हल्का सा गर्म है, हमें ज़्यादा गर्म बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल ही तवे को ठंडा कर लेना है। इसके बाद हम इस पैन में चम्मच से डालेंगे बैटर को, और जैसे हम डोसा को फैलाते हैं ना फ्रेंड्स, उसी तरह से हमें इसको फैला लेना है। बट इसको हम डोसा को फैलाने के लिए फ्रेंड्स क्या करें, आप चम्मच की हेल्प लें और इसी तरह से चम्मच से आप फैलाएँ। बस इसका थोड़ा सा डोसा हल्का सा मोटा रहना चाहिए, यदि आप इसका ज़्यादा पतला करेंगे तो ये डोसा आपका फट सकता है। इस चीज़ का को फ्रेंड्स ध्यान रखना है। ये डोसा जो है थोड़ा सा हल्का सा मोटा बनेगा, इसको हमें थोड़ा सा मोटा ही फैलाना है। इसके बाद जैसे ही बैटर ये फ्रेंड्स फैल जाएगा, तो देखिए हमने गैस को एकदम तेज कर दिया। अब आपको हाई फ्लेम पे गैस को कर देना है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल को इस तरह से ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा डाल देंगे, इससे हमारा डोसा फ्रेंड्स बहुत ही क्रिस्पी बनकर के तैयार होगा। तो ज़रा सा ही ऑयल डालने की ज़रूरत है, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हल्का सा ही ब्रश के हेल्प से हम डाल देंगे। यदि आप इसको नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब आपको बिल्कुल भी इसको डोसा को बिल्कुल भी छूना नहीं है, ना ही इसको पलटना है। जैसे कि हम चावल वाला डोसा बनाते हैं, सेम उसी तरह से इसको हाई फ्लेम पर
सेक लेना है। और पहले हम हाई करेंगे, इसके बाद हम इसको मीडियम करेंगे, तभी ही आपका डोसा क्रिस्पी बन करके फ्रेंड्स तैयार होगा। तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे इसकी ऊपर की परत सूख चुकी है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा डोसा हल्का सा ये सिकना स्टार्ट हो गया है। इसके बाद हम डालेंगे फ्रेंड्स इसमें चिली फ्लेक्स, क्योंकि हम ये डोसा बहुत ही स्पेशल बना रहे हैं, मसाला डोसा, ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दूँगी इस तरह से, और थोड़ा सा डाल दूँगी मैं हरा धनिया, थोड़ा सा डालूँगी कसूरी मेथी, ये भी ऑप्शनल है, यदि आपके बच्चे खाना पसंद नहीं करना करते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें हल्के से धीरे धीरे छोड़ना स्टार्ट हो गया है, और इसमें देखिए फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी जालियां भी दिख रही हैं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये जैसे ही डोसा आपका सिकने लगेगा वैसे ही ये तवा से छोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो हमें इसको अच्छा सा क्रिस्पी होने तक बिल्कुल सेकना। देखिए आप, मैं इसको थोड़ा सा दिखा रही हूँ, अभी मैं पलटूंगी नहीं इसको, क्योंकि मुझे इसको और भी अच्छा अभी डोसा को बना करके तैयार करना है। तो अब फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए, तो मैं इसमें क्या करूँगी, जो व्हाइट सॉस होता है जिसको मॉयनीज बच्चे बोलते हैं बच्चों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये पसंद रहता है, तो मैं भी इसी तरह से थोड़ा सा एक चम्मच इसमें चारों तरफ से फैला दूंगी। और इसके बाद मैं थोड़ा सा टोमेटो सॉस भी डाल दूंगी, आपके पास यदि पिज्जा सॉस है तो आप उसको ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है आपके पास जो है, यदि आपके पास हरा धनिया वाली चटनी है तो आप उसको ले सकते हैं। तो मेरे पास थोड़ा सा टोमेटो सॉस था तो मैं इसको भी थोड़ा सा इसके ऊपर फैला दूंगी। इसके बाद फ्रेंड्स जो हमने स्टफिंग बनाकर रखी हुई थी आलू प्याज की, मसाला वाला जो हमने तैयार किया हुआ था, इसको हमें फैला देना है। और फ्रेंड्स इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी ये आप प्रोसेस करें तो आपको गैस को स्लो रखना है, नहीं तो आपका जो डोसा होगा वो नीचे जल सकता है। और मैं ऊपर से थोड़ा सा और इसको डेकोरेट करूँगी, तो मैंने थोड़ा सा आलू भुजिया को डाल दिया है, यदि आपके पास चीज़ है तो इसमें आप चीज़ भी डाल सकते हैं, और यदि आपके पास पनीर है तो आप पनीर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स आपका बहुत ही अच्छा डोसा बनकर के तैयार हो चुका है। मैंने जब अपने बेटे को खिलाया ना, तो वो तो पहचान ही पाया कि मम्मी ने 5 मिनट में ये गेहूं के आटे से इतना टेस्टी डोसा बना करके तैयार किया है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए, और यदि आप भी डोसा खाने के ज़्यादा शौकीन हैं तो बस आप घोलिए और बना करके तैयार कीजिए। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे या आपको हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैंने साथ में बनाया हुआ था बहुत ही स्पेशल दही का रायता, और साथ में मैंने बच्चे के लिए बनाई हुई थी चटनी। तो आप जिसके साथ भी बच्चों को देना चाहते हैं या आप खाना चाहते हैं तो उसके साथ खाइए। इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं सांभर बना सकूँ, तो फ्रेंड्स ये लीजिए हमारा डोसा आज का बन करके तैयार हो चुका है। तो आप भी बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। और फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, आपकी पुष्पा इसी तरह से नई नई रेसिपी लेकर हाजिर होती रहेगी, कल फिर हाजिर होंगे हम नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमारी रेसिपी के साथ इसी तरह से आप बने रहिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय।